Assalamu alaikum dear students. In this video we will go through the next news item, that is B, Ritika takes a break from acting, given on page number 70 on your My English Book 7. Mumbai, September 9. Famous actress Ritika, who is believed to be the most highly paid star in Bollywood, is all set to break the hearts of her fans. ये खबर मुंबई से आई है. इसकी तारीख 9 सितंबर है, जिसमें कहा गया है कि मशहूर एक्ट्रेस, दूसरे अल्फाज में हीरोइन जिसे हम कहते हैं, मशहूर अदाकारा रितिका, who is believed to be the most highly paid star. Most highly paid means a person who is getting highest fees for his work. कोई शख्स जो अपने काम के बदले सबसे ज्यादा फीस लेता हो उसे कहते हैं most highly paid. इसीलिए उनको कहा गया है कि वो सबसे ज्यादा एक्टिंग की फीस लेती है बॉलीवुड में. बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इसके लिए दूसरा लफ्ज है. फिल्म इंडस्ट्री जो मुंबई में है उसको बॉलीवुड कहा जाता है. जो मुंबई में है वो बॉलीवुड है. तो बॉलीवुड की सबसे हाईली पेड स्टार रितिका के मुतालिक की खबर आई है कि इज ऑल सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ हर फैन. वो अपने एक फैसले के जरिए अपने फैंस यानी चाहने वालों का दिल तोड़ने वाली, यानी ऐसी खबर जो सुन के उनके फैंस का दिल टूट जाएगा. इन एन इनफॉर्मल चैट विद जर्नलिस्ट शी रिवील दैट शी विल नॉट साइन एनी मोर फिल्म्स आफ्टर कंप्लीटिंग द बिग बजट मूवी एंड नेक्स्ट मंथ. उन्होंने जर्नलिस्ट के साथ, जर्नलिस्ट यानी रिपोर्टर्स, अखबार के जो सहाफी होते हैं उनको जर्नलिस्ट कहा जाता है, रिपोर्टर हम कह सकते हैं इंग्लिश में, उनके साथ एक इनफॉर्मल चैट. इनफॉर्मल जो ऑफ द माइक हो, यानी जो माइक के सामने नहीं कही उन्होंने, गैर रस्मी बातचीत में उन्होंने रिपोर्टर को बताया कि उन्होंने ये रिवील किया. रिवील करना मीन्स टू अनकवर, टू अनफोल्ड कोई बात, किसी बात का इंकशाफ करना उर्दू में हम जिसे कहेंगे, इंग्लिश में उसके लिए हमारी लफ्ज है अनकवर, अनफोल्ड उन्होंने किया कि शी विल नॉट साइन एनी मोर फिल्म्स आफ्टर कंप्लीटिंग हर बिग बजट मूवी एंड नेक्स्ट मंथ. अगले महीने में उनकी बिग बजट मूवी कंप्लीट होने वाली है. बिग बजट ये अक्सर आए दिन आप मुख्तलिफ नई नई फिल्में जो आती है बॉलीवुड की हो, टॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, उसमें जो बड़े बड़े एक्टर्स जब उसमें काम करते हैं, बहुत ज्यादा एक्टर्स जिनकी फीस ज्यादा है, ऐसे अगर 2-5 एक्टर उसके अंदर है तो वो मूवी और उसके प्रोडक्शन में जो पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, इस वजह से वो फिल्म बन जाती है, कहलाती है बिग बजट. समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट. बिग बजट का मतलब होता है समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट या हैव स्पेंट, जिस पे खर्च की हो या की गई हो. तो उनकी ऐसी एक बिग बजट मूवी एंड है जो अगले महीने आने वाली है. उसके बाद वो कोई फिल्म साइन नहीं करेगी. साइन फिल्म्स ये एक लीगल टर्म होती है कि जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस किसी फिल्म में काम करने के लिए राजी होते हैं तो उसको फिल्म साइन करना कहते हैं. इस पे लीगल एग्रीमेंट इज साइन, एक कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत किए जाते हैं. तो उन्होंने इनकार किया कि वो कोई फिल्म नहीं साइन करेंगी. शी रिफ्यूज टू गिव एनी रीजन फॉर हर डिसीजन. और उन्होंने जो ये डिसीजन लिया है कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी, ये डिसीजन की रीजन यानी वजूहात बताने से भी रिफ्यूज कर दिया. रिफ्यूज कर देना डिनाइड, इनकार कर दिया, उन्होंने कोई वजह नहीं बताई. हाउएवर अलबत्ता सोर्सेस क्लोज टू हर रिवील दैट शी नाउ शी वॉन्ट्स टू मेक अ करियर इन पॉलिटिक्स. के जो सोर्सेस, जो जराए उनके करीबी है, सोर्सेस क्लोज टू हर यानी उनके करीबी लोग जो है उनका कहना है कि वो पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहती है. करियर मींस प्रोफेशन और हम कहें कि मुस्तकबिल, जरिया माश का वो पॉलिटिक्स में बनाना चाहती है. इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम.